नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोगों ने पिछले कुछ महीनों में हलाल कंट्रोवर्सी के बारे में सोशल मीडिया पर ज़रूर सुना ही होगा और इस कंट्रोवर्सी के बारे में शायद आप में से बहुत से लोग बहुत कुछ जानते भी हों। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बाद सोशल मीडिया पर शाकाहारी और मांसाहारी भोजन को लेकर के एक लंबी बहस छिड़ चुकी है। सावन के महीने में ऑनलाइन कंपनी जोमैटो के द्वारा एक ऑर्डर लिया गया जो कि एक हिंदू का ऑर्डर था और उसकी डिलीवरी के लिए एक मुस्लिम बॉय को भेजा गया। हिंदू ग्राहक ने यह कहते हुए ऑर्डर लेने से मना कर दिया कि वो सावन के महीने में किसी भी मुसलमान के हाथ से खाना नहीं लेगा और ये कहते हुए उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, जिसके जवाब में जोमैटो ने कहा कि खाने का कोई भी धर्म नहीं होता, ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ समाज में मतभेद पैदा करते हैं। कुल मिलाकर के जोमैटो के द्वारा हिंदू कस्टमर को काफी फटकार लगाई गई, लेकिन ये मुद्दा उस समय गर्मा गया जब एक मुस्लिम लड़के ने ये कहते हुए ऑर्डर कैंसिल कर दिया कि उनके द्वारा जो मीट भेजा गया है वो एक्चुअली में हलाल ना हो करके नॉन हलाल है। जब लड़के ने इसकी शिकायत जोमैटो से की तो जोमैटो ने इसके पक्ष में काफी सकारात्मक जवाब दिया और उस लड़के से कहा कि वो उनकी कंप्लेंट को सीरियसली देखेंगे और वो इस बारे में सोचेंगे कि आखिरकार वो क्या कर सकते हैं। जब जोमैटो ने इस प्रकार का रिप्लाई दिया तब जोमैटो की काफी आलोचना हुई। यहाँ पर जोमैटो का दोहरा चरित्र देखने को मिला, एक तरफ उन्होंने हिंदू कस्टमर को फटकार लगा दी तो वहीं पर दूसरी तरफ मुस्लिम कस्टमर के लिए सकारात्मक पक्ष रखा। शायद आप में से बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे कि हलाल मीट का मतलब होता है कि जो मीट मुस्लिम के द्वारा काटा गया हो या फिर जो मीट मुस्लिम की दुकान से बेचा गया हो। अगर देखा जाए तो ये भी सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से हिंदू कस्टमर ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो सावन के महीने में किसी भी मुस्लिम बॉय से खाना नहीं लेगा। ठीक इसी प्रकार से मुस्लिम लड़के ने भी इस बात को साफ साफ कह दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के द्वारा बेचे गए मीट को ही खरीदेगा। लेकिन इन दोनों के रिप्लाई में जोमैटो का फर्क जमीन और आसमान का था। हलाल मीट का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि वो जानवर किसी मुस्लिम के द्वारा काटा गया हो, ना कि किसी अन्य धर्म के लोगों के द्वारा।